प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में पिकअप और बस की टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन प्रयागराज से गंगा स्नान कर सवारी भरकर लौट रहा था। उसी दौरान मां बाहरी गेट के पास पहुंचते ही दिलीपुर की तरफ से आ रही बस की आमने सामने से टक्कर हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पिकअप सवारों को पकड़कर पिटाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रानीगंज थाना के सिपाहियों ने मामले को शांत कराया। बता दें कि बाजार के व्यापारी खुलेआम सड़क के किनारे वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। बताया जा रहा है कि अभी तक किसी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। यात्री आपस में आमने सामने आने से पिकअप की टक्कर में इतना जोरदार था कि दोनों के टुकड़े उड़ गए। किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि रानीगंज थाना में अभी तक किसी प्रकार कोई तहरीर नहीं दी गई है। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं का कारण ये गांव वालों ने बताया है कि सड़क के किनारे अवैध ढंग से गाड़ी खड़ी करते हैं, जिस कारण से रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं।